वीडियो पार्ट 3 कक्षा 12 विषय इतिहास अध्याय 5 यात्रियों के नजरिए समाज के बारे में उनकी समझ। हेलो विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो का सब टॉपिक है यूरोपियन यात्री परिचय। तो यात्रियों की इस श्रृंखला में आज हम लोग यूरोप से आने वाले कुछ यात्रियों के विषय में पढ़ेंगे। पिछले दो वीडियोज जो आपको बनाए थे मैंने, उनमें आपने जिन यात्रियों के विषय में पढ़ा वे एशिया और अफ्रीका से आए थे। क्या आपको याद है कि जिन यात्रियों के विषय में हमने इतने विस्तार से अध्ययन किया था वे कौन थे, उनके नाम क्या थे और वे कहाँ से आए थे? हाँ, तो जो पहले यात्री का नाम था अल-बिरूनी, जो कि 11वीं शताब्दी में उज़्बेकिस्तान से आए थे, और दूसरे यात्री थे इब्न बतूता, जो 14वीं शताब्दी में अफ्रीका में मोरक्को से आए थे। 10वीं सदी से इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि 10वीं सदी से ये आपका अध्याय शुरू होता है यात्रियों के विषय में। तो 10वीं सदी से अधिकतर जो यात्री आए वे एशिया और अफ्रीका से आए थे। ऐसा नहीं था कि यूरोप से कोई आया ही नहीं, आए थे यूरोप से भी, जैसे इटली से मार्को पोलो आए 13वीं शताब्दी में, और 15वीं शताब्दी में रूस से आए थे निकेटिन, अपनासी निकेटिन, उन्होंने करीब भारत में 6 वर्ष बिताए भी थे। लेकिन क्या हुआ कि 1500 में पुर्तगाली आए भारत, और उसके पश्चात उनमें से कई लोगों ने भारतीय धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं के विषय में वृत्तांत लिखे। इनमें से कुछ प्रमुख लोगों के नाम हैं जेजुइट रॉबर्टो नोबिली, जिन्होंने मतलब यहाँ तक कि भारतीय ग्रंथों का अनुवाद भी किया। दूसरे एक और जो ऐसे नाम जिनका अलग आज दिखाई मतलब महत्वपूर्ण है, वो है दुआर्ते बारबोसा। इन्होंने दक्षिण भारत के समाज की ओर व्यापार का व्यापक वर्णन लिखा था। उसके बाद क्या हुआ, 1600 ईस्वी के बाद यानी कि 17वीं शताब्दी में भारत में आने वाले जो यूरोप से यात्री आते थे उनकी संख्या बढ़ने लगी। जैसे डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी यात्रियों की संख्या इनकी बढ़ने लगी। बाय द वे, जब हम डच कहते हैं तो मतलब हुआ नीदरलैंड से। डच मीन्स नीदरलैंड के रहने वाले लोग भी, और वहाँ की भाषा दोनों को ही डच कहते हैं। तो ये यात्री आए अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी वगैरह, उस समय उनमें से कुछ के नाम थे जैसे जियो बैप्टिस्ट सेवर्नियर, ये एक फ्रांसीसी थे और जो भारत की व्यापारिक स्थिति से बहुत प्रभावित थे। इन्होंने भारत की तुलना ऑटोमन एम्पायर और ईरान से की और करीब 6 बार भारत की यात्रा की। एक और यात्री थे मनुकी, जो एक इतालवी चिकित्सक थे, और वे तो आए यहाँ पर तो फिर यहीं के होकर रह गए। एक और थे फ्रांस के, फ्रांसवा बर्नियर, ये एक विशिष्ट चिकित्सक थे। तो आज हम जो ये वीडियो बना रहे हैं इसमें हम विशेष करके फ्रांसवा बर्नियर के विषय में पढ़ेंगे। फ्रांसवा बर्नियर और उनका जो यात्रा वृत्तांत है ट्रेवल्स इन द मुगल उसके बारे में। तो फ्रांसवा बर्नियर ने 1556 से 1568 तक 12 वर्ष भारत में बिताए। बर्नियर फ्रांस के रहने वाले थे तो खैर मैं बोल ही चुकी हूँ। ये एक चिकित्सक भी थे, राजनीतिक दार्शनिक और इतिहासकार थे। अपने लिए अच्छे अवसरों की तलाश में वे भारत आए थे कि मुगल दरबार में उन्हें कुछ अच्छा मिलेगा। तो वो पहले तो वे शाहजहां का जो सबसे बड़े बेटे थे दारा शिकोह, उनके चिकित्सक के रूप में रहे। उसके बाद में मुगल दरबार के एक आर्मेनियाई अमीर दानिशमंद खान, उनके साथ एक बुद्धिजीवी तथा वैज्ञानिक के रूप में वो रहे। पर है ये कि पूरे समय में जब वो यहाँ पर रहे हैं तो उनका मुगल दरबार के साथ बहुत ही नजदीकी का रिश्ता था, काफी जुड़े रहे पूरे समय दरबार के साथ और उनसे नजदीक भी थे।
अब हम आते हैं बर्नियर के वृत्तांत की तरफ। तो जो दूसरा ये आपका सब टॉपिक है इस वीडियो का, वो है पूर्व और पश्चिम की तुलना। बर्नियर ने भारत के कई भागों की यात्रा की और उनके विवरण लिखे। जैसे एक स्थान पर तो उन्होंने लिखा है, वो जब मुगल सेना कश्मीर जा रही थी तो वो कैसे उसके साथ में गए, और इसका एक विवरण आपको मिलेगा आपके अध्याय के पृष्ठ 123 पर, पृष्ठ 1, 2, 3 स्रोत 4 में। तो आप पढ़ सकते हैं, उसमें इंटरेस्टिंग है कि उस यात्रा में वो क्या क्या लेके गए थे और क्या ले आना था, और आपको पढ़ने में ज्यादा रुचिकर भी लगेगा जब आप आज की यात्रा के साथ उसकी तुलना करेंगे कि उस समय क्या किन चीजों की जरूरत होती थी और आज के जमाने में हम क्या चीजें ले जाते हैं यात्रा में या क्या तैयारी करते हैं। बर्नियर ने सामान्यतः भारत में जो भी देखा उसकी तुलना यूरोप की स्थितियों से की। वे लगभग हर वृत्तांत में भारत की स्थिति को यूरोप में हुए विकास की तुलना में दयनीय बताते थे। उन्होंने अपने मुख्य यात्रा वृत्तांत को फ्रांस के तत्कालीन राजा लुई 14 जो थे, लुई 14 को समर्पित किया था। इसके अतिरिक्त उनके कई अन्य वृत्तांत, लेख आदि फ्रांस के प्रभावशाली मंत्रियों और अधिकारियों को पत्र के रूप में लिखे गए थे। जैसा कि हम देखेंगे अभी आगे जाके इसी वीडियो में, उनका जो आकलन था यहाँ भारतीय परिस्थितियों के विषय में वो सटीक नहीं था, माने सही नहीं था हमेशा। किंतु मतलब एक बात ये भी है नोट करने की कि प्रकाशित होने के बाद उनका जो ये काम था ये बहुत प्रचलित हुआ, बहुत प्रसिद्ध हुआ। आप इसका अंदाज ऐसे लगा सकते हो कि करीब 1670-71 में ये प्रकाशित हुआ, और अगले 5 वर्षों के अंदर ही 4 और यूरोप की भाषाओं में उसका अनुवाद हो चुका था। और ये 4 भाषाएं थी अंग्रेजी, डच, जर्मन और इतालवी। 1684 तक, यानी कि करीब 10-11 वर्षों के अंदर, ये अंग्रेजी में 3 बार पुनः मुद्रित हो चुका था। 55 वर्षों में यह वृत्तांत फ्रांस में 8 बार पुनः मुद्रित हुआ था। तो ये जो पुनः मुद्रित हुआ, इसका क्या अर्थ निकला? अर्थात कि वो इतना पॉपुलर था, इतना पसंद किया गया था, इसकी सभी कॉपियां जल्दी से बिक जाती थी और दोबारा इसका मुद्रण करवाना पड़ता था, इसको प्रिंट करना पड़ता था दोबारा। इसकी तुलना में अरबी और फ्रांसी वृत्तांत जो थे उनकी स्थिति बिल्कुल ही विपरीत थी। क्यों? क्योंकि 1800 से पहले तक ये कार्य केवल हस्तलिपियों के रूप में होता था। तो आप सोच सकते हैं, जब अगर एक तरफ प्रिंट कराए जाएंगे और एक तरफ खाली हाथ से लिखेंगे तो कौन सी चीजें ज्यादा चलेंगी? और क्योंकि यूरोप में मुद्रण प्रेस जो था वो पहले आरंभ हो गया था, तो इसका नतीजा ये हुआ कि अरबी फारसी वृत्तांत बर्नियर के वृत्तांत की तुलना में कम लोगों ने पढ़े थे। अब हमारा नेक्स्ट वो आता है सब टॉपिक, बर्नियर तथा अपविकसित पूर्व। फ्रांसवा बर्नियर और इब्न बतूता एवं और जो दूसरे भी यात्री आए थे उनमें एक बड़ा अंतर था। जो दूसरे यात्री थे इब्न बतूता और उनमें, उन्होंने हर उस चीज का वर्णन किया जो उन्हें विचित्र लगी या जिसने उन्हें प्रभावित किया। तो उनका जो उद्देश्य था वो मेन यही था कि जो नई नई चीजें देख रहे हैं उसका वर्णन करें और उसके बारे में लिखें। जो बर्नियर एक दूसरी ही बुद्धिवादी परंपरा से संबंधित थे, वो जो भी भारत में देखते थे उसकी तुलना यूरोप और विशेषकर फ्रांस की स्थितियों से करते थे, और उसमें भी उनका आशय या उनका जो उद्देश्य मकसद हमेशा ऐसा लगता था कि भारत को यूरोप से निम्न और दयनीय दिखाना होता था। बर्नियर का ग्रंथ ट्रेवल्स इन द मुगल यूरोप
काफी एक्चुअली बड़ा उल्लेखनीय माना जाता है कि आप बहुत उसमें गहन प्रेक्षण है, आलोचनात्मक अंतर्दृष्टि से देखा गया है, गहन चिंतन है। और इसने मुगलों के इतिहास को एक तरह से ना एक वैश्विक ढांचे में कि विश्व के उसमें कहाँ फिट होते हैं उसमें करने का प्रयत्न किया। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं कुछ एक एक मेन पॉइंट्स की इस वृत्तांत में क्या पॉइंट्स उन्होंने डिस्कस किए हैं। तो सबसे पहले हम देंगे जो कि काफी महत्वपूर्ण भी है, और वो है भूमि स्वामित्व का प्रश्न। ये एक बहुत बड़ा, बहुत ही लाइक महत्वपूर्ण विषय है और थोड़ा जटिल भी है। जटिल इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बर्नियर एवं कई अन्य यात्रियों के जो स्रोत हैं, उनके जो विवरण हैं, वे या इसके बर्नियर के स्रोत विवरण को सपोर्ट नहीं करते हैं, यानी इन दोनों में अंतर है। बर्नियर का कहना था कि मुगल काल में सारी भूमि के ऊपर केवल शासक का, राज्य का अधिकार था, जिसे वो अपने अमीरों आदि में बांटता रहता था। सामान्य जन का, जो सामान्य किसान हो या कोई और व्यक्ति हो, उनका भूमि पर कोई अधिकार नहीं होता था। भूमि का जो एक सामान्य मालिक था, मतलब उनकी बात नहीं कर रही हूँ जो राजा और जो उनके अमीर और जो लोग होंगे, जो सामान्य लोग होते थे, जो भूमि के मालिक होते थे उस समय के लिए, वो अपनी भूमि को अपने बच्चों को नहीं दे सकते थे क्योंकि अंततः राज्य का ही अधिकार होता था भूमि पर। इस कारण बर्नियर का कहना था कि जो किसान थे, विशेषकर वो कृषि के रूप क्षेत्र में बात कर रहा है, कि किसान अपने भूमि के उपजाऊपन को बढ़ाने के लिए उसमें निवेश करने में कोई रुचि नहीं रखते थे। और बर्नियर के हिसाब से ही ये स्थिति फ्रांस और यूरोप की स्थिति के बिल्कुल विपरीत थी, जहां पर भूधारकों का, मतलब जो जमीन के मालिक होते थे भूमि के, उनका एक वर्ग उदय हो गया था। वर्ग मतलब एक समूह, एक समाज में एक हिस्सा, काफी बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा, जो जमीन की बेहतरी के लिए और सुधार के लिए बहुत सजग थे और प्रयत्न करते रहते थे, इसलिए उसमें निवेश भी करते थे। क्यों? क्योंकि वहां पे उनकी जमीन, वो जो जिसकी जमीन थी वो उनकी अपनी होती थी, प्राइवेट निजी जमीन होती थी, वहां के राज्य की या शासक की नहीं थी वो। बर्नियर के अनुसार इस प्रकार का वर्ग भारत में नहीं बना, क्योंकि यहाँ पे भू स्वामित्व तो व्यक्तियों के पास था ही नहीं, निजी नहीं था, और इसीलिए कृषि का विनाश हो रहा था, किसानों का उत्पीड़न हो रहा था, और समाज के सभी वर्गों में लगातार पतन की स्थिति बनी हुई थी। इसी अवधारणा को आगे बढ़ाते हुए बर्नियर ने कहा कि यहाँ का शासक वर्ग, जो कि जनसंख्या का बहुत छोटा हिस्सा होता था, जनसंख्या की तुलना में इन लोगों की संख्या बहुत कम थी, अत्यंत अमीर और शक्तिशाली था। इसके विपरीत सामान्य जन, साधारण लोग अत्यंत दरिद्र रहते थे। ये जो इसके बारे में वो जो बताते हैं किसानों के विषय में, वो हम एक बार देखते हैं। एक सेकेंड, एक जो उनका स्रोत दिया हुआ है ना उसमें, से वो कहते हैं, हाँ आपके पुस्तक में दिया हुआ है पेज 131 में, स्रोत 11 में, वहां पर वो कहते हैं कि जो देश का, साम्राज्य का बहुत बड़ा ग्रामीण अंचल है, वो ज्यादा बहुत सारा उसमें से रेतीला था और बंजर पर्वत पड़े हुए थे, और बहुत सारी जमीन जो खेती लायक भी थी वो भी नहीं होती थी, उसमें काम, खेती का काम नहीं होता था क्योंकि किसान ही नहीं थे वहां पे, श्रमिक नहीं थे, और श्रमिक लोग क्योंकि वहां से चले जाते थे। क्यों चले जाते थे? क्योंकि कहते हैं वहां के गवर्नर इतने कहते हैं उनको क्या तरह से बताऊं, बुरा व्यवहार करते थे उनके साथ, तो इसलिए कई बार, और
लोभी होते थे, कहते हैं वो लोग इतना ज्यादा उनसे कर मांगते थे कि लोगों के पास कुछ बचता ही नहीं था, और अगर वो नहीं दे पाते थे तो उनसे सारे उनके साधन छीन लिए जाते थे, और यहाँ तक कि उनके बच्चे तक उनसे छीन लिए जाते थे। सो इस कारण से फिर वहां पे कोई करने वाला नहीं रह जाता था। तो इस तरह से उसका जो वर्णन है कि खास पूरी जमीन के लिए नहीं कहा ये, उन्होंने कहा है कुछ जगह पर ऐसा था, क्योंकि कहीं और दूसरी जगह पर आप पढ़ेंगे जहाँ बताते हैं जमीन बहुत अच्छी और बहुत उपजाऊ भी है, तो कई जगह पर उनके अपने विवरण में ही हमें थोड़ा सा विरोधाभास दिखाई पड़ता है। एक और बात जो बर्नियर कहते थे, वो कहते थे कि मिडिल क्लास की अनुपस्थिति, मिडिल क्लास मध्यम वर्ग, तो उनका कहना था कि यहाँ के समाज में केवल दो वर्ग होते थे, अत्यंत अमीर और अत्यंत गरीब, इन दोनों के बीच में कोई और वर्ग नहीं था। जैसे आज हम जिसको मध्य वर्ग कहते हैं या इंग्लिश में मिडिल क्लास, तो बर्नियर के अनुसार बीच में ऐसा वर्ग कोई था ही नहीं। और So, जैसा कि हमने पहले भी कहा था, बर्नियर का जो वर्णन था समाज का, वो नकारात्मक ज्यादा था। जैसे कि हम पहले भी देख चुके हैं, हर उसमें वर्णन में हमेशा उनका झुकाव जो था वो फ्रांस की तरफ होता था, फ्रांस और यूरोप की तरफ, और भारत का विवरण लिखने से ज्यादा लगता ऐसा है कि उनका जो उद्देश्य था वो था फ्रांस की तत्कालीन नीतियों को प्रभावित करने का। इससे और ऐसा लगता था कई बार तो जैसे कि वो फ्रांस को या फ्रांस के शासन को एक प्रकार से चेतावनी दे रहे हो। ये आपको विशेष करके मिलेगा आपके पेज 132 पर स्रोत 12 में। वो कहते हैं कि जो लोग जैसे कि इस तरह का मतलब वो बताते हैं कि अगर फ्रांस के लोगों ने भी ये राजकीय भूस्वामित्व कर लिया तो वहां पर भी जैसा कि यहाँ पर हाल है भारत में, कि यहाँ पर वो कहते हैं कि खाली बस रेगिस्तान और निर्जन स्थान होंगे और भिखारियों तथा क्रूर लोगों के राजा बनकर रह जाएंगे वहां के राजा भी, और सारे शहर और नगर रहने लायक नहीं हो जाएंगे, सब विनष्ट हो जाएंगे। तो इस तरह का उन्होंने वर्णन किया। तो ये ऐसा लगता है जैसे चेतावनी दे रहे हो कि आप लोग ऐसा मत करना, नहीं तो यहाँ जैसा यहाँ हाल है आपका भी वैसा हो जाएगा। तो उनके अपने शब्दों में अगर हम बताएं तो कहते थे जैसे मुगल साम्राज्य का राजा भिखारियों और क्रूर लोगों का राजा था, इनके नगर शहर विनष्ट तथा खराब हवा से दूषित थे, खेत झाड़ीदार तथा घातक दलदल से भरे हुए थे, और इस सब का एक ही कारण था राजकीय भूस्वामित्व। सो विनाश का एक ऐसा शब्द चित्र बनाया उन्होंने जिससे डरकर फ्रांस में कभी भी कोई ऐसी नीति को ना अपनाए, और जैसा कि उनका लगता है ना उनको ये कुछ लोगों को जो प्राइवेट प्रॉपर्टी की या निजी संपत्ति की अच्छाइयों को स्वीकार नहीं करते थे फ्रांस में कुछ लोग, उनके लिए चेतावनी जैसा उन्होंने लिखा है। चीज इतना यहाँ का वर्णन नहीं है जितना ये कि वहाँ के लोगों को चेतावनी लगती है। अब इसके अलावा एक जगह उन्होंने विरोधाभास अगर हम देखें तो एक और जगह भी कुछ लिखा है उन्होंने, क्या था, एक और जगह पर वो बताते हैं, हाँ एक दूसरी जगह पर वर्णन करते हैं जो कि ये बात इस वर्णन से
जो अभी मैंने आपको बताया कि जो फ्रांस खेत कैसे दलदल जैसे हैं और सब खराब हो रहा है उसे, दूसरी जगह वो कहते हैं कि देश का विस्तृत भूभाग अत्यधिक उपजाऊ है। ये है आपके पेज 133 में स्रोत 13 में लिखते हैं वो। और यहाँ पे बहुत सारी चीजों की उपज होती है, पैदावार होती है, फसलें होती हैं। और जो मिस्र से, इजिप्ट जिसको कहते हैं, उससे कंपेयर करते हैं कि वहां जितना होता है उससे कहीं ज्यादा होता है, और जो फसलें वहां नहीं होती वो सब भी यहाँ पर होती हैं। और शिल्पकार भी, हालांकि अगेन उसमें फिर से कह देते हैं कि वो बड़े आलसी होते हैं, लेकिन किसी कारण से काम करते हैं तो उनका काम विदेश में भी जाता है और देश में भी उपयोग में आता है। और ये भी कहते हैं कि सारे विश्व से सोना चांदी आकर लगता है जिसे भारत में खो जाता है। तो ये सब तो हमने उनका सुना, पर हमने यात्रा वृत्तांत इतिहास के बहुमूल स्रोत होते हैं ये, जैसे ना हम हिस्ट्री के इतिहास में बहुत एक बहुत बहुमूल्य स्रोत होते हैं, उससे हमें बहुत कुछ पता चलता है। परंतु इसके साथ ही आप ये भी पढ़ेंगे आगे जब जाएंगे अध्याय 14 में, कि इस प्रकार के द्वितीयक स्रोत जो होते हैं, सेकेंडरी स्रोत जो होते हैं, उनका उपयोग करते समय हमें कुछ सावधानियां बरतनी होती हैं। जैसे कि ये जो इस प्रकार के मौखिक या लिखित जो द्वितीयक स्रोत होते हैं, बयान होते हैं, वृत्तांत होते हैं, उनके उनसे निकलने वाले निष्कर्षों को हमें दूसरे स्रोतों से मिलाकर उनकी विश्वसनीयता जांचनी चाहिए। तो अगर खाली बर्नियर ने कुछ कहा तो उसी को हम बिल्कुल नहीं सच मान लेंगे, पहले हमें और जगह से भी पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि और लोग उस समय जो आए थे उन्होंने क्या कहा। तो दूसरे स्रोतों की जांच करने में हमारे पास कौन से स्रोत हैं? एक तो 16वीं और 17वीं शताब्दी में ही भारत में आए दूसरे यात्रियों के वृत्तांत हैं। दूसरी चीज मुगल दस्तावेज है जो उस समय में लिखे गए हैं। और तीसरा है मुगल अधिकारियों और कर्मचारियों ने देश के विभिन्न भागों में जाकर, जो कार्य के सिलसिले में दूसरे क्षेत्रों में जाते थे, जाकर जो वृत्तांत लिखे हैं वो। ये तीन मेन स्रोत है हमारे पास उस समय के। इनमें से नंबर एक यानी कि दूसरे यूरोपियन यात्रियों के वृत्तांत कुछ कुछ बर्नियर के समान ही धारणा रखते हैं, किंतु नंबर दो और तीन यानी कि मुगल दस्तावेज और मुगल अधिकारियों के कर्मचारियों के जो वृत्तांत थे, जो उन्होंने अलग अलग देश के ही दूसरे हिस्सों में जाकर कार्य के करते हुए कार्य के सिलसिले में जाकर जो उन्होंने दूसरे वृत्तांत लिखे, उसका उनका जो आकलन है दो और तीन पॉइंट वालों का, ये बिल्कुल भिन्न है इन स्रोतों के हिसाब से। दूसरे और तीसरे, दूसरा तीसरा कौन सा हुआ? एक तो मुगल दस्तावेज और दूसरा मुगल अधिकारी और कर्मचारियों के यात्रा वृत्तांत। तो इन दोनों स्रोतों के अनुसार खेती व्यक्तिगत मिल्कियत के सिद्धांत पर आधारित थी, अर्थात जिसकी जमीन होती थी वो उसी की जमीन होती थी, व्यक्तिगत होती थी। ऐसा नहीं था कि जो जमीन जिसकी है लेकिन वो राजा की जमीन है, ऐसा नहीं होता था। और ये जो जमीन होती थी किसानों की, ये जैसे प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, निजी संपत्ति होती, उसी तरह से बेची और खरीदी जाती थी, जैसे दूसरी कोई भी संपत्ति खरीदी और बेची जाती है। किसान अपनी भूमि के स्वयं मालिक होते थे। और ये धारणा कि केवल राजकीय स्वामित्व ही होता था या शासक ही खाली मालिक होता था भूमि का या राज्य का ही स्वामी होता था, ये गलत प्रतीत होती है। किसान अपनी जमीन को रखते थे, चाहते थे तो बेचते थे, खरीदते थे, और उसकी हदों पर, जैसे हद में चारों तरफ उसकी बाउंड्री होती थी, उसकी हदों पर मिट्टी से, ईंट से और कांटों से निशान लगा देते थे। हमने पढ़ा अभी पहले भी कि जो बर्नियर का वृत्तांत था वो बहुत प्रचलित हुआ और उसका अनुवाद भी हुआ
पहले चार भाषाओं में तो हुआ ही, जल्दी ही एक दौर हो गया था, अंग्रेजी में, डच में, जर्मन में, इतालवी में। इसके कई प्रभाव हुए। एक तो 18वीं सदी में यूरोप और विशेषकर फ्रांस में कई विचारक और नए नए विचारक आए, जिन्होंने नए राजनीति और दर्शन शास्त्र पर नए नए विचार प्रस्तुत किए। बर्नियर के इस वृत्तांत ने इन लोगों को बड़ा प्रभावित किया, क्योंकि इन लोगों ने भी सब वही पढ़ा। उदाहरण के लिए एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे मॉन्टेस्क्यू, इन्होंने लिखा है एब्सोल्यूटिज्म और ईस्टर्न डेस्पोटिज्म, निरंकुशवाद। उसके सिद्धांत को विकसित करने के लिए उन्होंने बर्नियर के सिद्धांत का सहारा लिया। निरंकुशवाद मतलब आप समझ रहे होंगे, एब्सोल्यूटिज्म जिस पर कोई अंकुश ना हो, ऐसा जो शासक होता है जिसके ऊपर कोई अंकुश नहीं होता है, वही वो जो चाहे वही कर सकता है, कोई रूल, कोई और नियम कुछ उसको रोकने वाले नहीं हो, उसे कहते हैं निरंकुशवाद। तो मॉन्टेस्क्यू ने जो लिखा ईस्टर्न डेस्पोटिज्म, उनके अनुसार एशिया प्राच्य यानी पूर्व के शासक अपनी प्रजा के ऊपर निर्बाध बेरोक टोक प्रभुत्व का उपयोग करते थे, जिसे यानी कि प्रजा को गरीबी और दासता की स्थिति में रखा जाता था। उन्होंने इस तर्क का आधार बनाया बर्नियर के वर्णन को कि भारत में निजी संपत्ति का कोई अस्तित्व नहीं था और राजकीय भू स्वामित्व था। इसके चलते ऐसी स्थिति में शासक वर्ग को छोड़कर आम व्यक्ति मुश्किल से गुजर बसर कर पाता था। एक और प्रमुख विचारक थे कार्ल मार्क्स, जिन्होंने अपने विचारों और सिद्धांत को आगे बढ़ाने के लिए बर्नियर के वर्णन को अपना आधार बनाया। इनका एक सिद्धांत था एशियाई उत्पादन शैली, एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन। इनका तर्क था कि उपनिवेशवाद से पहले ये जो यूरोपियन शक्तियां देश आए हमारे यहाँ और जिन्होंने कॉलोनीज बनाए, उपनिवेश बना दिया भारत को, उसके पहले जबकि मुगल काल था, तो उसमें भारत में और बाकी के और दूसरे एशिया देशों में भी जो अधिशेष का अधिग्रहण, जो भी एक्स्ट्रा होता था, इनकम होती थी, वो राज्य द्वारा ले ली जाती थी, जब्त कर ली जाती थी। इसका प्रभाव ये हुआ कि ग्रामों में एक ऐसा समाज उभर कर आया जो स्वायत्त और समतावादी था, ये मार्क्स का कहना है। इन पर शासन का नियंत्रण रहता था और जब तक ये ग्रामीण समुदाय अधिवेश की आपूर्ति निर्विघ्न करते रहते थे, अर्थात जो राजा को देना होता था कर उसको लगातार देते रहते थे बिना रोके हुए, बिना कुछ कम किए हुए, तब तक उनकी स्वायत्तता का, ग्रामीण लोगों की, गांव वालों की स्वायत्तता का सम्मान किया जाता था और ये एक निष्क्रिय प्रणाली मानी जाती थी। परंतु हम जैसा देखेंगे और स्रोतों के अनुसार ये वास्तविकता नहीं थी। जैसा कि हमने बर्नियर के वर्णन की विश्वसनीयता को जांचने के लिए किया था, इनके लिए भी हम दूसरे स्रोतों की विश्वसनीयता से उसको जान, इनकी भी विश्वसनीयता को जांचने के लिए दूसरे स्रोतों से तुलना करेंगे। तो ये स्रोत फिर से हमारे पास वही स्रोत है, 16वीं-17वीं शताब्दी में भारत आए दूसरे यात्रियों के वृत्तांत, मुगल दस्तावेज और मुगल अधिकारियों और कर्मचारियों ने देश के विभिन्न भागों में जाकर जो वृत्तांत लिखे, तीन। तो आप जब अपना अगला अध्याय पढ़ोगे, अगला अध्याय आठ, तो उसमें आप पढ़ोगे कि 16वीं और 17वीं सदी के ग्रामीण समाज में सामाजिक और आर्थिक विभेद थे बहुत। तो जो मार्क्स ने कहा ना कि जो वहां पे एक समतावादी समाज का उदय हुआ गांव में, बिकॉज क्योंकि सारे शासक उसको निजी स्वामित्व नहीं था और उन पर निरंकुश राज्य करते थे उस सबसे, और केवल अगर वो अपना वो देते रहे
आपूर्ति करते रहते थे तो राजा उनको कुछ इंटरफेयर नहीं करते थे, तो ऐसा नहीं था। उन जो हमें दूसरे स्रोतों से पता चलता है, विशेषकर अध्याय 8 में आपको पढ़ने को मिलेगा, तो उस काल में भी समाज में सामाजिक और आर्थिक भेद थे। एक और बड़े जमींदार थे जिनके बहुत बड़े बड़े अधिकार थे और जिनका उपभोग करते थे वो। दूसरी ओर जैसे एक मतलब आप पिरामिड जैसा समझ लो, सबसे ऊपर जमींदार थे, उसके नीचे दूसरे बड़े किसान होते थे जो किराए के श्रम का उपयोग करते थे, और जो भूमि विहीन श्रमिक होते थे जिनके पास जमीन नहीं थी, ऐसे लोगों से श्रम करवाते थे। और फिर इसके अतिरिक्त एक और कैटेगरी थी जो छोटे किसान थे और जिनके पास छोटी छोटी जमीन थी, और लेकिन वो अपने आप काम करके अपना गुजर बसर कर पाते थे, हालांकि वो भी बहुत कम उत्पादन कर पाते थे। और सबसे नीचे थे जो श्रमिक थे, बिल्कुल ही भूमि विहीन थे, दैट इज पिरामिड में सबसे नीचे वो थे, फिर बीच में छोटे किसान, उसके ऊपर बड़े किसान, और सबसे ऊपर जमींदार थे। बार्नियर का जो ये वृत्तांत था सारा, इसका प्रभाव न केवल दार्शनिकों पर पड़ा बल्कि जनमानस पर भी पड़ा। 1750 के बाद जब कुछ भारतीय यूरोप गए तो उन्हें भी यूरोपीय लोगों की, जो यूरोपीय लोगों के मन में एक छवि बन गई थी भारत की, उसका सामना करना पड़ा। और वो छवि कौन सी थी, जो बर्नियर ने बताई थी कि जिस तरह का समाज है भारत में, जैसे लोग हैं भारत में, उसका सामना करना पड़ा, जो कि हम देख रहे हैं कि सही नहीं थी। और जो भारतीय यात्री गए थे उन्होंने फिर से तथ्य देके, फैक्ट देके, अलग से इंटरप्रेट करके कोशिश की कि उस छवि को वो सुधार सके। ये तो हुई ग्रामीण जीवन और कृषि के विषय में बर्नियर का वृत्तांत। अब हम लोग आते हैं इसको कृषि और ग्रामीण जीवन को छोड़कर नगरों की और शिल्पकारों की, शिल्प और शिल्पकारों की बात करते हैं। बर्नियर का उस समय के समाज में शिल्प और शिल्पकारों का वर्ग विवरण दूसरे और तत्कालीन नगरों और कृषि के वर्णन के समान ही जटिल है। उसमें भी उनके दो उद्देश्य साफ दिखते हैं, पहला कि भारत को हीन दिखाना है, और दूसरा कि मुगल राज्य को निरंकुश बताने का उद्देश्य है। जैसे कि वो कहते हैं कि शिल्पकारों के मुनाफे का अधिकांश भाग राज्य द्वारा ले लिया जाता था, इस कारण से शिल्पकारों को अपने काम और हुनर को बेहतर बनाने का कोई उत्साह नहीं था। शिल्पी उत्पादन पतन की ओर जा रहे थे। और एक स्थान पर बर्नियर लिखते हैं कि शिल्पकार जो वैसे तो बहुत आलसी होते थे, परंतु जरूरतमंद होने के कारण या किसी और कारण से बाध्य होकर वे तरह तरह की चीजों का निर्माण करते थे, जैसे गलीचे, दरी, कसीदाकारी, कढ़ाई, सोने चांदी के वस्त्र और विभिन्न प्रकार के रेशम, सूती वस्त्र, जो देश में भी प्रयोग होते थे और जिनका निर्यात भी होता था। इन वस्तुओं का निर्माण कैसे होता था, इसके लिए बर्नियर भारतीय कारखानों का वर्णन करते हैं। विशेष बात यह है कि संभवतः बर्नियर एक अकेले इतिहासकार हैं जिन्होंने राजकीय कारखानों का इस प्रकार विस्तृत वर्णन किया है। क्या बताया था उन्होंने कारखानों के वर्णन के बारे में, वो कहते हैं कि यहाँ पर कई स्थानों पर बड़े कक्ष दिखाई देते हैं जिन्हें कारखाना अथवा शिल्पकारों की कार्यशाला कहते हैं। तो कहते हैं इसमें अलग अलग कारखाने होते थे या अलग अलग जगह होती थी, तो किसी में कसीदाकारी का काम होता था, किसी में कढ़ाई का काम होता था, कहीं पर
सुनार बहुत सारे बैठ के काम कर रहे होते थे, और कहीं पर बढ़ई के काम होता था, जितने भी शिल्प होते हैं ना इस तरह के काम होते हैं, कहीं पर रंग रोगन का काम, कहीं पर चित्रकार अपना काम कर रहे हैं, कहीं पर महीन मलमल का काम करने वाले लोग होते थे, इस तरह से उन्होंने बताया कि होते थे जगह जगह ऐसे कारखाने होते थे, राजकीय कारखाने होते थे हैं, और जहां पर शिल्पकार रोज सुबह आ जाते थे और शाम तक बैठ के काम करते रहते थे और शाम को अपने घर चले जाते थे। हालांकि इसमें भी उन्होंने यही कहा है कि कोई भी ऐसे नियमित रूप से उनका जीवन बीतता था और कोई भी अपने जीवन को और सुधार करने के लिए, ऊपर उठाने के लिए उसमें कोई इच्छा नहीं दिखाते थे वो लोग। तो हम अभी आप देखते जाओ, ऐसा लगता है ना कि जो इनका अपना वर्णन है उसी में हमें विरोधाभास दिखाई पड़ेगा। क्योंकि वो ये भी कहते हैं, एक तरफ तो कह रहे हैं कि शिल्पकार बहुत आलसी होते थे और सब पतन की ओर था, और ये भी कहते हैं कि पूरे विश्व के सभी भागों में से संचालन के बाद सोना चांदी भारत में आकर कुछ हद तक खो जाता था। तो अर्थात कि निर्यात ज्यादा होता था और सोना चांदी यहाँ आकर यही रह जाता था भारत में। और ये भी बताते हैं कि पूरे विश्व से बहुमूल्य धातुएं भारत में आती थी, क्योंकि सोने चांदी के बदले उनके उत्पादन का और उसका निर्यात होता था। तो आप लोग देख सकते हैं कि उनके वर्णन में एक प्रकार का विरोधाभास है। तो एक और वे कहते हैं कि शिल्पकारों के मुनाफे का अधिकांश भाग राज्य द्वारा ले लिया जाता था, और इस कारण से शिल्पकारों को अपने काम को, हुनर को बेहतर बनाने का कोई उत्साह नहीं था, शिल्पी उत्पादन पतन की ओर जा रहे थे। और दूसरा पॉइंट इसी के साथ ये भी बोलते हैं कि वो पूरे विश्व से बहुमूल्य धातुएं भारत में आती थी और उत्पादों का सोने और चांदी के बदले निर्यात होता था, और ये भी कि पूरे विश्व के सभी भागों में संचालन के बाद सोना चांदी भारत में आकर कुछ हद तक खो जाता था। तो अगर पूरे विश्व के सभी भागों से सोना और यहाँ आता था, सोना चांदी भारत में आता था और धातुएं आती थी और उनका निर्यात होता था, तो इससे हमें क्या पता चलता? इससे ये तो नहीं लगता कि शिल्प सारा पतन की ओर जा रहा था, बल्कि ये कह सकते हैं कि इससे ये साफ होता है कि समाज में एक समृद्ध व्यापारी समुदाय था जो दूर दूर से व्यापार करने में संलग्न था। इसी प्रकार से जो वर्णन है वो नगर का भी विवरण देते हैं, नगर या शहर उनके बारे में कहते हैं। तो जिस तरह से भू स्वामित्व के विषय में उन्होंने लिखा, उसी तरह से वो नगर का भी एक तरह से सरलीकरण कर देते हैं, एक तरह से बता देते हैं। जैसे सच्चाई क्या थी, वास्तविकता, सच्चाई नहीं कहते, वास्तविकता ये थी कि उस समय देश का लगभग 15% भाग, जनसंख्या का 15% भाग नगरों में रहता था। यदि हम उस समय के यूरोपीय नगरों से इसकी तुलना करें तो ये वहां के लोगों से कुछ अधिक ही था। किंतु बर्नियर का कहना था कि यहाँ के नगर शिविर नगर थे, मतलब कि जहां भी राजकीय दरबार जाता था वहां पर एक नगर बन जाता था, और जब राजकीय दरबार वहां से चला जाता था तो नगर भी खत्म हो जाता था। जैसे शिविर थोड़े थोड़े दिनों के लिए रखते हैं, वैसे ही नगर होते थे। तो उनके अनुसार से इन नगरों की कोई आर्थिक और सामाजिक नींव नहीं होती थी, पर वास्तविकता जो हमें दूसरे स्रोतों से पता चलती है वो इसके विपरीत थी। और स्रोतों से पता चलता है कि उस समय भी विभिन्न प्रकार के नगर होते थे, जैसे व्यापारिक नगर, उत्पादन केंद्र, धार्मिक स्थल, तीर्थ यात्रा के लिए स्थान, बंदरगाह के नगर आदि, तरह तरह के नगर होते थे। ऐसा नहीं कि केवल जब राजा जहां गया वहां पर नगर बना और वो हटाया तो नगर उठ गया, ऐसा नहीं होता था। और जो व्यापार होता था, व्यापारी, वो भी
अपना सामुदायिक और बंधुत्व के संबंधों से जुड़े होते थे, लाइक एक नगर में रहते थे तो उनका एक समुदाय बन जाता था और उनके मुखिया को सेठ कहते थे, और जो सभी व्यापारिक समुदायों का मुखिया होता था उसको नगर सेठ कहते थे। और नगरों में भी, नगर के अंदर भी अपने अपने व्यवसाय के आधार पर वर्ग होते थे, जैसे चिकित्सकों का या अध्यापकों का, वास्तुविद, संगीतकार, सुलेखक आदि से। इनमें से कुछ लोग राजकीय पेशे पर आधारित होते थे, मतलब उनको राजा के सपोर्ट पर, और लोग कुछ उनके और संरक्षक होते थे या फिर आम लोगों की सेवा करके अपना जीवन यापन करते थे। तो इसके अलावा उन्होंने समाज में महिलाओं की स्थिति के विषय में भी लिखा है बर्नियर ने। तो देखते हैं हम वो क्या लिखते हैं। उस समय के सभी जो समकालीन यात्री थे उन्होंने भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति के विषय में कुछ ना कुछ अवश्य लिखा है। संभवतः इसका कारण ये था कि हमारे समाज में और यूरोप के समाज में महिलाओं के साथ किए जाने वाले व्यवहार में भिन्नता थी, और ये दोनों समाजों की तुलना में एक महत्वपूर्ण संकेतक, महत्वपूर्ण साइन माना जाता है कि महिलाओं को कैसे ट्रीट करते हैं। बर्नियर ने अपने वर्णन में सती प्रथा को विस्तृत वर्णनों के लिए चुना। हम समझ सकते हैं कि एक ऐसी क्रूर एवं अमानवीय प्रथा थी कि उसके विषय में लिखने से कोई इतिहासकार अपने को रोक नहीं सकता था, और इस विषय पर लिखा जाना जरूरी भी था। पर बर्नियर के विवरण पर जो प्रश्न उठता है वो ये है कि स्त्रियों का जीवन केवल सती प्रथा तक ही सीमित नहीं था, उसके और भी आयाम थे जो बर्नियर ने अछूते छोड़ दिए। जैसे कि जो कृषक घरानों की स्त्रियां होती थी उसमें उनके जो स्त्रियों का विश्रम होता था खेती के काम में, और जो कृषि से होने वाले उत्पादन थे उससे जुड़ा हुआ, और वो उनका महत्वपूर्ण भूमिका होती थी उनकी, स्त्रियों की जो काम करती थी उसमें। इसी प्रकार से जो व्यापारिक घरानों की स्त्रियां होती थी, महिलाएं होती थी, वे व्यापारिक गतिविधियों में हिस्सा लेती थी, यहाँ तक कि कभी कभी व्यापार और बिजनेस के मामलों को अदालत में भी ले जाती थी। तो ये कहना और ये वक्तव्य बनाना कि महिलाओं का रोल केवल घर के अंदर ही था, ये सही नहीं। तो सम अप, हमने जो बर्नियर के बारे में अभी पूरा पढ़ा, हम देखते हैं कि बर्नियर ने काफी विस्तृत वर्णन लिखा है, परंतु इस संपूर्ण वृत्तांत में ऐसा लगता है कि जैसे उनका उद्देश्य केवल यात्रा वृत्तांत लिखना नहीं था, उनका कोई और एजेंडा था, और कोई उनका मकसद था। वे कृषि के विषय में लिखते समय भू स्वामित्व को ले आते हैं, जो कि हमने और स्रोतों से चेक किया, देखा कि वो सही भी नहीं था। इसी प्रकार से जब वो नगरों का वर्णन करते हैं तो उनका जो मत है वो उस समय के और लोगों ने जो वर्णन किए हैं उनसे भिन्न है। कैसे? क्योंकि वो कहते थे कि उस समय शिविर नगर होते थे और खराब हवा के कारण रहने लायक नहीं थे और विनाश की अवस्था में थे, जो कि उस समय के और बहुत सारे जो हमें स्रोत मिलते हैं वो किसी में भी इस तरह का वर्णन नहीं किया गया नगरों का। इसी प्रकार से शिल्प उत्पादन और शिल्पकारों के विषय में भी उनका वर्णन मिश्रित सा है, मतलब अर्थात एक ओर तो वे राजकीय कारखानों की बात करते हैं और ये भी बताते हैं कि यहाँ दूर 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 तक निर्यात होता था, संसार से जगह जगह से सोना चांदी में बदल में आता था, धातुएं आती थी, और एक तरफ कहते हैं कि वो जो शिल्प और शिल्प उत्पादन पतन की ओर था, और हम देखते हैं कि समाज में एक समृद्ध व्यापारी समुदाय था जो दूर दूर से व्यापार करने में संलग्न था। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि जो यद्यपि मतलब बर्नियर का ये वृत्तांत है
ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, ये जाना जाता है कि बहुत गहन चिंतन और आलोचनात्मक अंतर्दृष्टि रखता है, इसीलिए इसको उल्लेखनीय मानते हैं। किंतु हम लोग ये देखते हैं कि जो उनका उन्होंने वर्णन किया वो पूरा हर जगह पर सटीक नहीं था। दैट्स ऑल, थैंक यू।